हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? एक बार सभी जुड़ जाओ और जो जो आगे एक बार हाय वगैरह लिख दो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ एक बार। ठीक है, हाँ जी। तो अपन आज थर्मो की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले। थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज ये क्लास किस टॉपिक पर रहेगी और इसमें मैं कौन कौन चीजें कवर करूंगा। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये सिस्टम, सराउंडिंग्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है, और साथ में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम क्या बीमारी है, ये है क्या चीज, और ये कितने प्रकार का होता है अगर होता भी है तो। ठीक है, वैसे आप जानते हो इन सब चीज़ों के बारे में। ओके वैशाली, यस सर। निशा सुतार, चलो दो लोग आए। ठीक है, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। थर्मो की पहली क्लास है साइंस क्यूब। भैया अपना नाम तो बता दो, आपने लिखा हुआ है साइंस क्यूब एंड एसओ, ये एग्जैक्टली नेम क्या है? हाँ, साइंस के इतने दीवाने हो गए कि नाम ये लिख रखा है यूट्यूब चैनल का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। तो अब ये देखो, आज की क्लास का नाम है थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी। ठीक है, अब ये होती क्या है ऊष्मागतिकी, वर्ड क्यों आया, किस तरीके से आया, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, वहां से अपन स्टार्ट करते हैं अभी इसको। उसके बाद धीरे धीरे अपन किस पर आएंगे, पूरे सिस्टम्स पर आएंगे, सराउंडिंग्स पर आएंगे, बाउंड्री पर आएंगे, और मैं आपको लिंक करूंगा एक दूसरी चीज़ों की, अपन इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। सही है, वो सारी चीज़ें। आइए चलो, किसी को कुछ पहले स्टार्टिंग में पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, कुछ डाउट वगैरह हो, कुछ पूछना हो तो बता दो। अच्छा जी, लोकेश है, ठीक है, मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट और वेरी पंक्चुअल। ठीक है, अब कमेंट में देख रहा हूं, आप चाहो तो अपनी वीडियो क्वालिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो ना। हनी वर्मा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिनको जुड़ना होगा वो धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। और ठीक है, बाकी शादियों का माहौल चल रहा है, इलेक्शन का है, अब तो कोई ये बहाना भी नहीं लगा सकता कि बस नहीं है हमारी, कि कॉलेज में हम कैसे आए सर, बस है ही नहीं, शादियों में बुकिंग हो गई सारी, या घर पे कोई फंक्शन है, या हम बाहर गए हुए हैं। यूट्यूब से क्लास तो आप किसी भी जगह से ले सकते हो, ऑनलाइन है। चलिए थर्मो, सबसे पहले मैं वो एक चीज आपको हर वीडियो में ये जरूर दिखाऊंगा, क्या? सिलेबस। इसके बारे में अब ज्यादा अपन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको सिलेबस के बारे में हर बार बताऊंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि ये सिलेबस जो मैंने बनाया है ये फ्लो चार्ट में, ये आपके दिमाग में हमेशा पता रहेगा कि ग्रेजुएशन में अपना क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला। ठीक है, अपना टॉपिक क्या है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने, ये सारी चीजें हमें एक बार पता रहनी थी। इसलिए मैं आपको जब भी कोई क्लास लूंगा ग्रेजुएशन की, BSc सेकेंड ईयर की, सॉरी BSc सेकंड सेमेस्टर की, तो उसमें मैं आपको ये जो सारा टॉपिक्स के नेम है जो मैंने डिवाइड किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर, तो ये सारी चीजें मैं आपको ये वाली स्लाइड हर PDF में, हर PPT में मैं आपको शो करूंगा। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। हालांकि अपने सेकेंड सेमेस्टर में हाइड्रोकार्बन्स भी है, एल्किन, एल्काइन्स, डाइन्स, एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, इस तरीके से ये टॉपिक भी है, आयनिक इक्विलिब्रिया भी है, लेकिन अपने यूनिट फर्स्ट जो है उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। तो अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स है क्या ये, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। देखो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच होती है, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, अपन नहीं पढ़ते इसमें भी, अपन फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांच पढ़ते हैं अपन। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ हीट, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम फ्लो ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं,
सर नेट स्लो का दिक्कत होता, अब नेट तो आपको रिचार्ज तो कराना पड़ेगा ना प्रॉपर, ठीक है। हाँ जी, मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच में हम क्या करते हैं, फ्लो ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा किसके बारे में, फ्लो ऑफ हीट, इसके बारे में ये जो वर्ड लिख रहा हूँ मैं, फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या है कि अगर कोई मैंने सिस्टम ले लिया, कोई भी जिस पर मैं किसी भी चीज की स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, जो जो मैंने पार्ट लिया हुआ है ब्रह्मांड का, उस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ किसके बारे में, फ्लो ऑफ हीट के बारे में, तो उसको इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, क्लियर है। एक मैं आपको एक चीज और बता दूं कि थर्मोडायनेमिक जो वर्ड आया है ये क्या है, थर्मोडायनेमिक वर्ड इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है, हाँ जी, इसको अपन दो भागों में बांटेंगे, एक तो थर्मो और डायनेमिक्स, क्लियर, और यहीं से अपन इसका एग्जैक्टली मीनिंग निकाल पाएंगे। अभी एग्जैक्टली मीनिंग कैसे निकलेगा अपन इसको देखते हैं। पहली बात तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा रहनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हाँ जी, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर किस किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी हो सकता है, एक सिस्टम से तीसरे सिस्टम में भी हो सकता है, सिस्टम टू सराउंडिंग भी हो सकता है, सराउंडिंग टू सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है ये, इसको अपन इसका मतलब क्या है, इसको अपन क्या बोलेंगे, थर्मो डायनेमिक्स। एक्चुअल में ये जो वर्ड आ रहा है ना थर्मो, देखो ये जो थर्मो वर्ड है थर्मो, ठीक है, थर्मो का एग्जैक्टली मीनिंग ही जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, टेम्परेचर, इसका मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है, इसका एग्जैक्टली जो संबंध होता है किससे होता है, तापमान से होता है, क्लियर। थर्मो का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, क्लियर, और टेम्परेचर के रिगार्डिंग अपन जो फ्लो डायनामिक्स, इसका मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट, क्लियर है, तो फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या हो गया, थर्मोडायनामिक्स, और थर्मो का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर, ध्यान रखना है बात, क्लियर, समझ में आ गई सारी चीजें। अब देखो थर्मोडायनामिक्स में कि जब भी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में तो अपन को कुछ ना कुछ चूज तो करना पड़ेगा ना, अपन स्टडी किस पे करें भाई, जैसे मैंने आपके ये बोला हुआ है कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट, लेकिन कब, किस पर, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द अबाउट फ्लो ऑफ हीट। अब किस पर आप स्टडी करोगे भाई, आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो जिस पर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं या इस ब्रह्मांड का कोई भी वो पार्ट जिसको हम चूज करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए, सॉरी थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम। सिस्टम का मतलब कुछ भी हो सकता है जिसको हम स्टडी के लिए चूज कर रहे हैं, क्लियर, सिस्टम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए हमने इस ब्रह्मांड का जो भी हिस्सा चूज किया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम, क्लियर, और इस सिस्टम को छोड़कर जो भी बचेगा इस ब्रह्मांड का उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स, क्लियर। अब देखो जैसे मैं एक चीज यहां पर बताता हूं आपको, इसको हल्का समझा देता हूं, एक मिनट, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर थर्मो, जैसे मैंने ये कोई एक सिस्टम लिया हुआ है इस पूरे यूनिवर्स का, ये लो ये, ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स है जो आप स्क्रीन देख रहे हो अपनी पूरी फोन की, ये मोबाइल की जो आप स्क्रीन देख रहे हो पूरी पूरी स्क्रीन, ठीक है, ये क्या है, ये एक ब्रह्मांड है पूरा, ये क्या हो गया, पूरा ब्रह्मांड, क्लियर। अब देखो इस ब्रह्मांड में ये जो ये मैंने बॉक्स बनाया है, ये जो बॉक्स बनाया है मैंने, ये बॉक्स जो है ये क्या है, ये मेरा सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम, ये सिस्टम हो गया। इस ब्रह्मांड में इस सिस्टम को छोड़कर जो भी बाहर का पोर्शन बचा हुआ है, ये जो पोर्शन बचा हुआ है पूरा जो आप देख पा रहे हो उसको, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सराउंडिंग, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सराउंडिंग्स, क्लियर। सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्र, सराउंडिंग को बोलते हैं परिपार्श्विक, क्लियर। और साथ में इस सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली ये जो चीज देख रहे हो आप, जो इसको अलग कर रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड्री, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाउंड्री। तो अल्टीमेटली जब भी अपन थर्मोडायनेमिक स्टडी करेंगे उसमें तीन चीज हमेशा आएगी, एक आएगा सिस्टम, दूसरा आएगी सराउंडिंग, तीसरी आएगी बाउंड्री, क्लियर। जो भी मैंने पोर्शन चूज किया है स्टडी के लिए उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम, ये मेरा सिस्टम हो गया, इसके आउटर मोस्ट में जो भी बचा हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट द सिस्टम, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सराउंडिंग्स, और जो इन दोनों को अलग कर रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, बाउंड्री, क्लियर। हाँ जी, जैसे देखो मैंने ये बनाया हुआ है, ये वाला पोर्शन देखो, देखो ये जो है, ये सपोज दैट कि इतना बड़ा जो मैंने ये एक आयताकार डब्बा बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैंने बोला हुआ यूनिवर्स। इस सर्किल जो ये है, इस सर्किल है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला हुआ, सिस्टम। इस
सिस्टम को छोड़कर इस ब्रह्मांड के पूरे हिस्से को मैंने क्या बोला हुआ है, सराउंडिंग, और ये जो लेयर है ये वाली, ये लेयर क्लियर, ये वाली लेयर, इसको मैंने क्या बोला हुआ है, बाउंड्री। तीन चीज हो गई, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, गरण कह रहे हैं सिस्टम, हाँ जी सिस्टम, क्लियर। अब देखो बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री इसके बारे में और सुन लो थोड़ा सा, कि बाउंड्री जो है ये दो टाइप की हो सकती है, ये मतलब आपको दिख भी सकती है या आपको नहीं भी दिख सकती, क्लियर। तो बाउंड्री को अपन दो तरीके से बांट सकते हैं, ये इमेजनरी भी हो सकती है, इमेजनरी, और ये रियल भी हो सकती है, रियल मतलब वास्तविक, ठीक है। जैसे अपने गैस का सिलेंडर होता है, तो गैस का सिलेंडर की जो लोहे की लेयर है, ठीक है, उसमें भरी हुई है गैस, तो गैस को मैंने क्या मान लिया, जो गैस के सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है वो क्या हो गया, हाँ जी वो मेरा सिस्टम हो गया, गैस को मैंने सिस्टम माना हुआ है, क्लियर। अब जो गैस जिसमें भरी हुई है लोहे के सिलेंडर में, तो लोहे की जो बाउंड्री बनी हुई है, वो लोहे की जो लेयर बनी हुई है, उसको मैं क्या बोलूंगा, बाउंड्री, और उस सिलेंडर के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी बचा हुआ है उसको मैं क्या बोलूंगा, सराउंडिंग, क्लियर है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, हाँ जी। सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, यूनिवर्स। बाउंड्री जो होती है दो टाइप की होती है, इमेजनरी भी होती है और रियल भी होती है, ठीक है। अब इमेजनरी कैसे हो सकती है, भैया मैंने मान लिया कि ये जो चीज है इतने सी, ये वाली, ये क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया। अब भैया ये सिस्टम हो गया, तो सीधी सी बात है, अब ये जो मैंने बनाया है, ये जो आपको भी दिख भी नहीं रहा, ये क्या होगी, बाउंड्री। इसके अलावा जो भी बचा हुआ है ब्रह्मांड का पूरा हिस्सा, वो क्या हो गया, सराउंडिंग, क्लियर। अब ये जो लेयर बनी, अब ये लेयर भैया इमेजनरी है, ये लेयर कैसी है, इमेजिनरी, ये अब रियल नहीं है, क्लियर। तो ये है चीजें सारी सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में, क्लियर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, देखो अब थोड़ा सिस्टम के प्रकार पर भी अपन जाते हैं, कि सिस्टम कितने प्रकार का होता है, जो हम स्टडी करेंगे उसमें, जो हम सिस्टम चूज कर रहे हैं स्टडी के लिए, हाँ जी, तो वो कितने प्रकार का होगा, ठीक है। सामने आपके सामने है, एक तो है ओपन सिस्टम, एक है अपने पास क्या, क्लोज सिस्टम, और एक अपने पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये ओपन का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अपन को ये तो समझ में आ गया कि सिस्टम क्या होता है, लेकिन अब सिस्टम कितने प्रकार का होगा, जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम कैसा होता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, मैं हर बार जब भी आपको सिस्टम पढ़ाऊंगा या प्रोसेस पढ़ाऊंगा, मतलब अभी आगे चल के अपने प्रक्रम चलेंगे, प्रोसेस चलेंगे, तो उन प्रोसेस में मैं हमेशा आपको बार बार वर्ड यूज लूंगा मैं, ये कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये प्रोसेस है, क्लियर है। तो वहां पर उस केस में आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम कितने प्रकार का होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं हर बार, कौन सा, गैस सिलेंडर का। तो गैस सिलेंडर जो है, अब वो किस टाइप का सिस्टम है, वो ओपन सिस्टम में आएगा, वो क्लोज में आएगा, या वो आइसोलेटेड में आएगा। जब मैं आपको ये वाली स्लाइड आपको समझा दूंगा, उस केस में आप इस चीज को बताने के लायक होंगे, एलिजिबल होंगे, कि एक गैस सिलेंडर जो होता है वो किस टाइप का सिस्टम है, ओपन है, क्लोज है या आइसोलेटेड है। जब आप एक भगोनी में, भगोनी होती है लोहे की होती है, स्टील की होती है, जो भी है, उसमें जब आप पानी गर्म करते हो या दूध गर्म करते हो, तो उस केस में वो सिस्टम आपका ओपन सिस्टम होगा या क्लोज सिस्टम होगा, सही है। आपके पास पानी की बोतल होती है, उस पानी की बोतल में जो पानी रखा हुआ है वो सिस्टम किस तरीके का है, वो ओपन है, क्लोज है या आइसोलेटेड है, क्लियर। तो इन चीजों के बारे में पता करने के लिए एक बार हम क्या करते हैं, पहले सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज क्या होता है और आइसोलेटेड क्या होता है, क्लियर है। हाँ जी हेमंत, यूट्यूब 10 की, ठीक है। जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्ण। थोड़ा पढ़ भी लो, भगवान के नाम तो अपन को लेने ही है, उनके बिना तो क्या है, सही है। हाँ जी देखो ओपन सिस्टम का मीनिंग क्या है, ओपन सिस्टम का मीनिंग है कि जैसे ये मैंने यहां पर ये लिया हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉनिकल फ्लास्क, ध्यान रखना क्योंकि ये अपने लैब में बहुत काम में आता है ये, ठीक है। अनुमापन जो करते हैं अपन, टाइट्रेशन जो करते हैं किसमें करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में, वो कभी बीकर वीकर में नहीं करते। तो थोड़े से आपको ग्लासवेयर के नाम भी याद रहने चाहिए, मैं धीरे धीरे प्रैक्टिकल की क्लास ले लूंगा जिसमें अपने जितने भी ग्लासवेयर होते हैं उनके क्या क्या नाम है, भाई बीकर किसको बोलते हैं अपन, कॉनिकल फ्लास्क किसको बोलते हैं, थर्मामीटर किसको बोलते हैं, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर किसको बोलते हैं, वो सारी चीजें वो अपन उसमें एक बार डिस्कस करेंगे अलग से। गुड इवनिंग सुरेश, हाँ जी ओपन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा अपन और एक बार पढ़ते हैं। ओपन सिस्टम देखो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब ये जो लिक्विड है, और नीचे से मैंने क्या किया, इस पर हीट लगा दी,
ठीक है, जब मैं हीट इस पर मैंने लगाई, गर्म किया, गर्म करने के बाद मैं देखूंगा कि इसमें से क्या होगा, ये जो लिक्विड है धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट करेगा, उड़ेगा, इवेपोरेट तो होगा ही ये, ठीक है। जब ये उड़ना स्टार्ट करेगा इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब जो इसमें लिक्विड प्रेजेंट है, मतलब मास प्रेजेंट है, जो द्रव्यमान प्रेजेंट है, इसका कोई द्रव्यमान है किसी मटेरियल का, इस लिक्विड का, तो वो द्रव्यमान क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि भाई साहब वो उड़ता जा रहा है, सही है। ये मेरा एक सिस्टम हो गया एक तरीके से, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ये क्या हो गया मेरा सिस्टम। इस सिस्टम में क्या हो रहा है, जैसे मैं इसको हीट दे रहा हूं वैसे वैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस यहां से ये जो कंपाउंड है, ये जो लिक्विड है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे उड़ रहा है, बाहर जा रहा है ये। और बाहर जा रहा है इसका मतलब क्या है कि यहां से मास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मास का मतलब है द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो रहा है, यहां से स्थानांतरित हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर है। दूसरी बात, यहां से अब जैसे ये है, इसको मैंने गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद कुछ देर बाद मैं देखता हूँ कि ठंडा हो जाता है लिक्विड। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां से ये जो ग्लास है, ये जो ग्लास का बना हुआ है कॉनिकल फ्लास्क, ये क्या करता है, अंदर के टेम्परेचर को, हीट को बाहर ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बाहर ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब इस प्रकार के सिस्टम में, ये जो सिस्टम मैंने लिया हुआ है यहां पर, इसमें मास भी ट्रांसफर हो रहा है और इसमें इसके साथ साथ हीट भी ट्रांसफर हो रहा है। तो जब ऐसा सिस्टम जिसमें मास भी ट्रांसफर हो, देखो इधर, जिसमें मास भी क्या हो, ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, यस, जिसमें हीट ट्रांसफर, यस, हीट क्यों हो रही है, ट्रांसफर, क्योंकि भैया जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो सिस्टम से जा रहा है किसमें, सराउंडिंग में। क्यों, क्योंकि जो लेयर है वो किसकी है, ग्लास की, और ग्लास की लेयर क्या करती है, जो बाउंड्री बनाई हुई है मैंने, वो क्या करेगी, हाँ जी, वो हमेशा उस टेम्परेचर को क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह भेजेगी, मतलब सिस्टम से कहाँ भेजेगी, सराउंडिंग में, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि ओपन सिस्टम जो होता है वो ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मास भी ट्रांसफर होता है, जिसके अंदर हीट भी ट्रांसफर होती है, उस टाइप के सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो लिख लो, खुला निकाय, खुला निकाय, खुला तंत्र, ओपन सिस्टम, क्लियर है। दूसरा है अपना क्लोज सिस्टम, कौन सा है, क्लोज्ड। अब देखो, अभी तक क्या था, ये जो अपने पास कॉनिकल फ्लास्क था, ये इस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक कॉर्क लगा दी, ये जो ऊपर लगाया हुआ है ये इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्क, COR, ठीक है, कॉर्क। कॉर्क का, कॉर्क ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, इसको पैक कर देती है बिल्कुल, जैसे ये कोई कॉनिकल फ्लास्क है, इसको मैं पैक करने के लिए मैंने ऊपर से क्या लगा दिया, कॉर्क। अब जब कॉर्क लगाऊंगा मैं, उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि जैसे मैं इसको हीट करूंगा, यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर इसको हीट दी, टेम्परेचर दिया, उस केस में क्या होगा, यहां से ये जो मटेरियल है, ये जो लिक्विड है जो भरा हुआ है, ये बाहर नहीं जाएगा, मतलब ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम में ही रहेगा ये लिक्विड, क्लियर है, इसी के अंदर रहेगा, ये सराउंडिंग तक पहुंच नहीं पा रहा। क्यों, क्योंकि जो बाउंड्री थी मैंने क्या कर दी, क्लोज कर दी, क्लियर है। जब ऐसे सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होता, देखो मास पर क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, मतलब जहां पर द्रव्यमान क्या नहीं होता, स्थानांतरित नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन इसमें देखो ये पूरा है तो ग्लास का ही बना हुआ, तो अगर ये गर्म है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हीट को मतलब ट्रांसफर करेगा कहां पर, बाहर की तरफ, जब बाहर की तरफ ट्रांसफर करेगा तो सीधी सी बात है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा, ठंडा होगा तो उस केस में हीट का ट्रांसफर होगा। तो ऐसे सिस्टम जो जिनमें मास का ट्रांसफर नहीं होता लेकिन किसका होता है, हीट का, ध्यान रखना, हीट का तो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन किसका नहीं हो रहा, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, ठीक है, बंद निकाय। हाँ जी, मेरे हिसाब समझ में आ रहा होगा, ये होता क्या है, क्लियर। तीसरा अपने पास एक सिस्टम और होता है जिसका मतलब, जिसका नाम होता है आइसोलेटेड सिस्टम, इसका नाम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर। अभी आइसोलेटेड का मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं विलगित निकाय, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, विलगित, हाँ जी, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर। आइसोलेटेड में क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो क्लोज सिस्टम है, जो मेरा क्लोज सिस्टम है उस पर मैंने क्या करा, जैसे ये मेरा कोई क्लोज सिस्टम है, इस पर मैंने क्या करा, चारों तरफ मैंने क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया थर्माकोल, मैंने क्या लगा दिया, थर्माकोल या कोई लकड़ी का कोई पोर्शन लगा दिया, मैंने लकड़ी का कोई पार्ट लगा दिया और उसको पूरा पैक कर दिया अच्छे से। जब पूरा मैंने पैक कर दिया तो ये जो चीज मैंने बोली थर्माकोल, वुड, लकड़ी, ये जो चीजें होती हैं, ये क्या होती हैं, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती इजीली, ठीक है, इनसे हीट का ट्रांसफर इजीली नहीं होता। तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो सीधी सी बात है भाई, ये क्लोज सिस्टम तो था ही, ये ऊपर मैंने क्या लगा रखी है, इस पर कॉर्क भी लगा रखी है, ये देखो ये कॉर्क लगी हुई है यहाँ पर, ये ठीक है, ये क्या लगी हुई है, कॉर्क, और साथ में मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, ये कुछ इस सिस्टम को आइसोलेटेड बनाने के लिए, ठीक है, मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफर ना हो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये या तो लकड़ी का बुरादा रख दिया यहाँ पर, या मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये थर्माकोल, क्लियर है।
अब ये क्या हो जाएगा सिस्टम, अब भैया मास तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा क्योंकि क्लोज सिस्टम मैंने लिया था पहले ये, और मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर ही लगा दिया थर्माकोल, अब यहाँ से हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी। और ऐसे सिस्टम जिनमें ना तो मास ट्रांसफर हो, ऐसे सिस्टम जिनमें ना तो मास ट्रांसफर हो ना ही उसमें हीट ट्रांसफर हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय, सही है। तो अब यहाँ पर आपके सामने तीन चीजें हो गई, एक तो हो गया ओपन सिस्टम, एक हो गया क्लोज सिस्टम, एक हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, तीन चीज हो गई यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए हम जो भी काम में लेते हैं, जो भी पोर्शन काम में लेते हैं, ब्रह्मांड का हिस्सा जो भी काम में लेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम। उसके अलावा जो भी बचेगा वो अपना सराउंडिंग, जो इन दोनों को अलग करेगी वो बाउंड्री। अब सिस्टम जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, क्लियर है। इसके अलावा देखो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, इसके अलावा एक चीज और है, सिस्टम को एक प्रकार से और बांटा गया है। किस तरीके से, कि सिस्टम में जो भी मटेरियल अपन काम में ले रहे हैं वो किस टाइप का है, उसकी कितनी फेजेस हैं, या उसमें जो जो वो स्प्रेड हुआ है, जो वो फैला हुआ है, वो इक्वली फैला हुआ है या फिर अलग अलग तरीके से फैला हुआ है, उसके बेस पर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। एक तो होता है कौन सा, होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस सिस्टम, सही है। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, होमोजीनस का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं समांगी, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे अपन, विषमांगी। देखिए समझो, ये रहे टाइप्स ऑफ सिस्टम को अपन ने एक तरीके से और बांटा हुआ है, इसका नाम क्या है, होमोजीनस सिस्टम, और एक कौन सा है अपना, हेट्रोजीनस सिस्टम, क्लियर। अभी होमोजीनस क्या बीमारी है और हेट्रोजीनस क्या बीमारी है, इस पर अपन थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसको अपन और अच्छे समझते हैं एक बार। देखिए होमोजीनस का एक्जैक्टली जो हिंदी में मीनिंग निकल के आता है, इसको हिंदी से हिंदी में समझेंगे तो और अच्छा रहेगा अपने लिए। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं समांगी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, समांगी, होमोजीनस, और इसको क्या बोलते हैं, विषमांगी। इंग्लिश वाले हैं थोड़ी सी हिंदी पढ़ लो, और हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश को भी जानो, ठीक है। हाँ जी, होमोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस क्या है, ये चीजें आप और देखो इनके बारे में। देखो होमोजीनस सिस्टम जो होता है इसके बारे में समझना ध्यान से, कंपोजिशन किस तरीके का होगा, जैसे पहले पिक्चर्स को देख लो एक बार, बहुत अच्छे समझाया, क्योंकि जहां पर विजुअल्स होते हैं, विजुअल ठीक है, पिक्चर्स होते हैं, चित्र होते हैं, वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आती है, क्लियर है। जो अपन ये लिखा हुआ होता है, जो कहीं पर प्रिंटेड है, वो चीजें आपके इतने आसानी से दिमाग में नहीं घुसती। आप देखते हो कि एक तीन घंटे की मूवी होती है, फिल्म होती है तीन घंटे की, ठीक है, वो आप एक बार देखते हो, और एक बार देखने के बाद आप कुछ भी पूछ लो, मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा आप उसका आंसर दे दोगे, क्यों भाई, क्योंकि मूवी जो होती है उसमें क्या होते हैं, विजुअल्स होते हैं, आपने उसको देखा है, सही है, आपने उसको एज ए वीडियो फॉर्म, एज ए पिक्चर फॉर्म आपने उसको देखा है, तो पिक्चर्स जो होती हैं वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं किसी भी चीज को याद करने में, क्लियर है। तो ध्यान रखना पिक्चर से अपन चीजों को समझेंगे, ये फ्लो चार्ट है, ये सारी चीजें क्या है, पिक्चर्स ही तो है सारी चीजें, इसलिए आपको समझने में आसानी रहेगी, क्लियर। देखो इसको समझो, ये आप तो ये मानो कि ये जो पोर्शन बना हुआ है ये होमोजीनस है, और ये क्या है, हेट्रोजीनस है। अब ये होमोजीनस है, ये हेट्रोजीनस है। अब देखो दोनों को आपस में कंपेयर करो, दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑरेंज कलर, सॉरी पिंक कलर है ये, फिर ग्रीन है, पिंक ग्रीन इस तरीके से, फिर इधर ग्रीन पिंक, मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, फिक्स है, सही है, ऑर्डर क्या है इनका, फिक्स है। एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, एक बार पिंक आया फिर ग्रीन आया, फिर पिंक आया फिर ग्रीन आया, इस तरीके से, मतलब ये क्या है, स्प्रेड जो हो रखे हैं, फैले हुए हैं, ये इक्वली फैले हुए हैं, ठीक है। ये इसको अगर मैं काट दूं यहां से बीच में से, तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों के दोनों जो पोर्शन बनेंगे वो किस तरीके बनेंगे, दोनों इक्वल बनेंगे, क्लियर है, दोनों सेम बनेंगे। इसका मैं कोई सा भी पोर्शन काट लो, अगर मैं इतना सा पोर्शन भी काटूंगा इसमें से, इतना सा भी, तो ये पोर्शन क्या होगा, ये इक्वल होगा पूरे पोर्शन के, सेम होगा। जो प्रॉपर्टीज इस पूरे पोर्शन में है वही प्रॉपर्टीज इस कोने में होगी, 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 मतलब इसमें पूरे के पूरे सिस्टम में कंप्लीटली क्या होता है, कंप्लीटली हाँ जी, सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। इसलिए देखो मैंने इसमें ये लिखा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, किसमें, होमोजीनस सिस्टम, सही है। और देखो इसको, देखो इस बेचारे को, अगर मैं इस सिस्टम में से, ये जो सिस्टम है इसमें से ये वाला पोर्शन काट दूं हल्का सा, इतना सा, तो काटने के बाद देखो इसमें ये पिंक भी दिखेगा,
बाकी पोर्शन अलग हो गया। इसमें एक भी ग्रीन नहीं है, इसमें ग्रीन भी है और पिंक भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस पूरे सिस्टम में सारी चीजें फैली हुई एक साथ नहीं है, एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है ये। अगर ये यूनिफॉर्म होती तो भैया चीजें कुछ और ही होती, वो होमोजीनस की तरफ मूव कर जाती फिर, सही है। अब ये क्या हो गया? हाँ जी, अब ये हेट्रोजीनस हो गया, ये क्लियर है। ये क्या है? होमोजीनस, ये क्या है? हेट्रोजीनस। अब देखो, आपने पिक्चर्स देख ली सारी, अब पिक्चर्स के बेस पर मैं ये बोलूंगा, आप इन चीजों को मत देखना, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको मत देखना भाई साहब आप अभी, ठीक है। मतलब इन पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आप तो बस इसको, ये जो बोल रहा हूं मैं बार बार, कंपोजिशन, फेज, स्टेबिलिटी, साइज ऑफ पार्टिकल, ये इनके बारे में आप खुद बताना। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किसके बारे में? होमोजीनस सिस्टम के बारे में, क्लियर। आप बताओ होमोजीनस सिस्टम में जो कंपोजिशन होगा, बताओ भाई साहब, वो एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? सीधी सी बात है, एक जैसा रहने वाला, ये देख लो इस पूरे में क्या हुआ, एक जैसा है ये सारा, ये सही है। इसलिए मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म लिखा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब स्कूल यूनिफॉर्म मत समझ लेना, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। इक्वली स्प्रेड, इक्वली स्प्रेड मतलब जो फैला हुआ है वो इक्वली फैला हुआ है वो, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? इक्वली स्प्रेड, ये भैया क्यू है, ये इक्वली स्प्रेड, एक जैसा फैला हुआ। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो सिस्टम के पार्टिकल्स, भैया भी एक जैसे नहीं है यहाँ पर, ये क्या हो गए? अलग अलग हो गए। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? नॉन यूनिफॉर्म, सही है, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा अब आप बताओ फेजेस, होमोजीनस कोई सिस्टम है तो उसकी फेज बताओ भाई साहब कैसी होगी? सिंगल होगी या एक से ज्यादा होगी? अब आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स दिखेंगे आपको, इन सबकी फेज क्या रहेगी? सेम रहेगी। अभी फेज का मीनिंग क्या है मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको उसके, ठीक है। फेज का मतलब होता है कि वो किस फॉर्म में है, फॉर्म का मतलब कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या वो गैस है। मतलब क्या है कि होमोजीनस सिस्टम में, होमोजीनस सिस्टम में ये जो आप देख रहे हो पार्टिकल, चाहे इसमें एक पार्टिकल है, दो है, ये सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे एक ही स्टेट में रहेंगे। अगर सॉलिड है तो सारे सॉलिड रहेंगे, लिक्विड है सारे लिक्विड रहेंगे, गैसियस है तो सारे क्या रहेंगे? गैस में रहेंगे, क्लियर है। इसकी बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स देखो इधर, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, पता चले आधे सॉलिड है आधे लिक्विड है, कुछ गैस भी हो सकते हैं, कुछ दूसरी स्टेट भी आ सकती है। मतलब यहाँ पर जो फेजेस है वो दो हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन होमोजीनस सिस्टम में ये जो फेज होती है वो कैसे होती है? केवल और केवल सिंगल, एक ही फेज मिलेगी आपको, सही है। और ऐसे सिस्टम जिनकी फेज सेम रहती है वो इक्वली स्प्रेड रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, वो सिस्टम क्या होते हैं? वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, सही है। क्या होंगे? वो अत्यधिक स्थायी होंगे, मोस्ट स्टेबल होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी में क्या लिखा हुआ है कि होमोजीनस सिस्टम जो है वो क्या है? मोर स्टेबल है, और ये क्या है? लेस स्टेबल है, क्लियर। साइज ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं तो ये इक्वली स्प्रेड है यहाँ पर, तो इसके पार्टिकल हमेशा कैसे रहेंगे? स्मॉलर रहेंगे, छोटे रहेंगे ये, और बिल्कुल इक्वली फैले हुए रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, सही है। इसकी बात करें तो यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का साइज है वो थोड़ा सा कैसा रहता है? बड़ा रहता है साइज। हेट्रो ज्यादा क्या लिखा है? एक मिनट, थोड़े एक मिनट के लिए कमेंट पे आ जाते हैं। लोकेश ने लिखा है एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। निशान ने लिखा है हेट्रो में ज्यादातर दो चीजें अलग हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है, दो चीजें क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, सही है। दो फिजिस आ जाती है। स्टेबिलिटी मैंने बता दिया, साइज ऑफ पार्टिकल इसके स्मॉलर होते हैं, इसके लार्जर होते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। भैया मैं जब मैंने बोल दिया कि सारी स्टेट सेम है, यूनिफॉर्म है, एक तरह फैला हुआ है ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, इस पूरे पोर्शन में क्या रहेगी? सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी, ठीक है, अलग अलग नहीं रहेगी। जो प्रॉपर्टीज है, चाहे आप टेम्परेचर देख लो, चाहे आप प्रेशर, अभी मैं धीरे धीरे इन टर्म्स पर आऊंगा। अभी टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, ये सारी चीजें, वर्क फंक्शन क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी जो टर्म्स हैं ये थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हैं ये, ठीक है। इनकी अभी अपन प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, क्लियर, और साथ में अपन इन पर डिस्कस करेंगे प्रॉपरली धीरे धीरे। आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे यहाँ पर? सेम, इधर क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगे, क्लियर। तो देखो
सिस्टम को अपन ने कितने तरीके से पढ़ाया, एक तो अपन ने पढ़ाया कि तीन प्रकार से, कौन कौन सा, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, और इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर मैंने इसको डिवाइड किया है, एक तो होमोजीनस और हेटरोजीनस, होमोजीनस और हेटरोजीनस, क्लियर है। अब इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज है ये आप देख लो, और इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन चीजों का, क्योंकि ये बहुत काम वाली चीजें हैं। आप इसको जब देखोगे होमोजेनस सिस्टम में तो दुनिया भर की चीजें इसमें लिखी हुई है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप उन पर अगर आप किसी चीज को पॉइंटों में याद करते हो, पॉइंट्स में, तो शायद आप ज्यादा अच्छे से और लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको रख सकते हो, ज्यादा अच्छे से आपको याद होंगे। विजुअल फॉर्म में करोगे, फ्लो चार्ट की फॉर्म में करोगे, टेबल की फॉर्म में करोगे, मैं क्लास में जनरली बोलता भी रहता हूँ सारी चीजें, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं अपन। अब बात आती है इक्विलिब्रियम की, किसकी बात आती है, इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा अपन इक्विलिब्रियम पे डिस्कस करते हैं, इक्विलिब्रियम ये क्या बीमारी आ गई, नहीं सही है। हाँ जी, किसी को पूछना है, हाँ जी, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को देखो ये है क्या, इक्विलिब्रियम देखो, इक्विलिब्रियम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वो समझो एक बार आप, सही है, एक मिनट। इक्विलिब्रियम को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, साम्यवस्था, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, साम्यवस्था, ठीक है। साम्यवस्था का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में तो आप जानते हो, अगर मैं केवल केमिस्ट्री और कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन ले ली या इनऑर्गेनिक रिएक्शन ले ली, उसमें अगर मैं आपको आपसे साम्यवस्था पूछूं तो उसको तो आप अच्छे से जानते हो कि साम्यवस्था है क्या चीज है। साम्यवस्था का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, साम्यवस्था। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिखा देता हूँ, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपके लिए, एक मिनट देखिए। जैसे मैंने क्या ले लिया, ए प्लस बी, ये दो रिएक्टेंट लिए, ठीक है, और क्या हो रहा है, ये दोनों बदल रहे हैं किसमें, सी प्लस डी में, किसे बदल रहे हैं ये, सी प्लस डी में। मतलब यहां पर ए और बी दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी, यहाँ इसका रेट कॉन्स्टेंट होगा के, और चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर के एफ, सही है। अब क्या हो रहा है, जब ये बन गए तो सी और डी वापस आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं, तो इस केस में इसका जो रेट कॉन्स्टेंट आएगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया, के बी, सही है। तो ऐसी स्टेट जहां पर के एफ बराबर क्या हो जाए, के बी हो जाए, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं यहां पर, हाँ जी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये क्या होती है मेरी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, साम्यवस्था की स्थिति होती है ये, सही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मीनिंग क्या है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हाँ जी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। लेकिन ये तो अपन किसमें देखा है आपने, ये तो फॉर एन, एक सिंपल रिएक्शन ले ली, एक जनरल रिएक्शन ले ली मैंने, ठीक है, एक सिंपल रिएक्शन के लिए ये तो। लेकिन जब मैं बात करता हूँ किस पर, जब मैं बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, कौन से इक्विलिब्रियम की, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऊष्मागतिकी साम्य, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सुनो, ऊष्मागतिकी साम्य का जो मीनिंग निकल के आता है, वो मीनिंग निकल के आता है इस तरीके से कि अगर कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई भी सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई भी सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, अर्थात अगर कोई भी सिस्टम थर्मल एज वेल एज केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल तीनों इक्विलिब्रियम में होता है, तीनों इक्विलिब्रियम जिस सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब वही क्या होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मेरी बात को ध्यान से सुनना भैया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कोई भी सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हो, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हो और मैकेनिकल, ऐसा नहीं है अगर कोई सिस्टम केवल और केवल थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, नहीं भैया, उसमें तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने चाहिए। अब देखो ये तीनों इक्विलिब्रियम होते क्या है, ये इनको समझो अच्छे से, तीनों इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने ये लिख रखा है थर्मल इक्विलिब्रियम, सही है, इसका मतलब क्या है, जैसे आप सिंपल सा ये जो मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, इसको समझना एक बार, ये एक चाय का कप है, इसमें भरी हुई है चाय, ठीक है, एक क्या है चाय का कप है, इसमें चाय भरी हुई है। अब सुबह सुबह आप देने गए पापा को, पापा ने बढ़िया से ले ली चाय, चाय लेने के बाद क्या हुआ, वो न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, सुबह सुबह होता है अपने पापा क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं और उनको चाहिए चाय, न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, पता चले कोई खबर अच्छी सी आ गई,
और उसमें उन्होंने 5-7 मिनट लगा दिए। फिर जैसे उनको याद आई कि हमारे घर में तो मेरा बच्चा कुछ लेकर आया है, एक कप में लेकर आया था चाय बढ़िया से, अब वो चाय क्या हो गई, ठंडी। अब क्या होगा, आपको सुनने को मिलेगी 2-4 अच्छे अच्छे शब्द, ठीक है, चाहे गलती पापा की हो, फिर भी सुनना, सुनने को किसको मिलता है, बालकों को, सही है। देखो अब ऐसा हुआ क्यों, चाय क्या हो गई, ठंडी हो गई, क्या हुआ, और इस स्थिति को अपन बोलेंगे क्या, एक कप में चाय थी, चाय क्या हुई, पहले गर्म थी फिर ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद अभी जो प्रोसेस हुई है कि हुआ क्या एग्जैक्टली है, इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा। देखो इधर देखना, ये भैया चाय का कप है, ठीक है, इसमें भरी हुई चाय, समय के साथ अभी बिल्कुल क्या है, हॉट है, ये गर्म है, ये गर्म चाय है अभी, क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ यहां से जो हीट है वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी, कहां पर, अब भैया ये कप में जो चाय रखी हुई है ये एक सिस्टम है मेरा। अब मैं यहां पर थोड़ा पूछता हूं आपसे कि बताओ ये जो कप में चाय रखी हुई है ये किस टाइप का सिस्टम है, ये एक ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, या आइसोलेटेड सिस्टम है, मैं कमेंट में देख रहा हूं आपके, सभी बताएंगे कि ये जो सिस्टम है ये किस टाइप का सिस्टम है, ये जो सिस्टम है किस टाइप का सिस्टम है भाई साहब, बताओ, कप में चाय रखी हुई है ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका आंसर सबका सही आना चाहिए एकदम बिल्कुल। आप कमेंट में लिखो ओपन है, क्लोज है, या आइसोलेटेड है। एक ने बताया भाई साहब लोकेश ने ओपन, ठीक है, ओपन ही होगा वैसे भी ये, सही है, क्यों, क्योंकि भैया कप में रखी हुई चाय, ऊपर से जो चाय रखी हुई है लिक्विड रखा हुआ है उसमें, उसके अंदर ऊपर से कुछ भी लगा हुआ नहीं, खुला है, कोई ऐसा चाय का कप देखा है जो ऊपर से बंद हो, बिल्कुल बिल्कुल डब्बा दे दिया, ऐसा देखा है, कोई छोटा सा बॉक्स है उसको बिल्कुल पैक कर दिया पूरा और लेके आया चाय, फिर बोल रहे पापा से लो पापा पियो चाय, है पॉसिबल ये, पापा पता चले वो जो जिसमें लेकर आए हो वही आपके सर पे मार दे गुस्से में आके, छोड़ो, हाँ जी, तो ये कप में रखी हुई चाय, अब हुआ क्या, समय के साथ धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, हीट ट्रांसफर हुई, क्या हुई, हीट ट्रांसफर, ये हीट ट्रांसफर तब तक होती है जब तक सिस्टम और सराउंडिंग, जब तक सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। अब भैया जो सराउंडिंग है अपना एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसका टेम्परेचर तो कितना रहता है, 25 डिग्री के आसपास रहता है, सही है, गर्मियों में 30-35 तक पहुंच जाता है, तो 25-30 डिग्री जो भी टेम्परेचर है सराउंडिंग का, तो चाय जो आप लेकर आए हो गर्म चाय, उसका टेम्परेचर कितना है, 70-80 डिग्री होगा, ठीक है। अब उनका टेम्परेचर क्या होगा, मतलब हीट ट्रांसफर होगा यहां से, कैसे होगा, चाय से सराउंडिंग मतलब एनवायरमेंट की ओर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, और हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, सेम ना हो जाए, सही है। इसीलिए कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ये जब चाय ठंडी हो गई बिल्कुल, अब इससे ज्यादा और ठंडी नहीं होगी, अब ऐसा भी नहीं कि ठंडी होती होती बिल्कुल जमी जाए कि भाई अब ये तो चाय की कुल्फी बन गई, तो वो भी नहीं होगा, ये तब तक होगा जब तक कि सराउंडिंग का टेम्परेचर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, उस लिक्विड जो चाय बनाई है आपने उसके इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, सही है। ये होती है थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये जो मैंने बात बोली क्या है, ये भैया थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, सही है, हाँ जी, इसको बोलते हैं तापीय साम्यावस्था, वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तापीय साम्यावस्था, साम्यावस्था तो लिख लेना खुद ही, ये देखो ये लिखा हुआ यहाँ पर साम्य, जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, तापीय साम्यावस्था। होटल वी आर इन, ये होटल वाले भाई साहब इन्होंने लिखा है ओपन सिस्टम, बिल्कुल नीतू निशा सबने ओपन सिस्टम लिखा है, वेरी गुड, समझ गए इसका मतलब, ऐसे समझते चलना चीजें आसान हो जाएंगी बहुत, ठीक है। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको अभी आपको समझाया है, अभी क्या समझाया मैंने आपको, देखो पीछे ये देखो इधर मैंने आपको क्या बोला था, Kf अपॉन Kb, सही है, Kf अपॉन Kb, ये क्या हो जाए दोनों इक्वल हो जाए, और Kf अपॉन Kb ये लो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा आपके, ये भी समझ लो, जब अपन इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब अलग से टॉपिक हो रहा है अपने इक्विलिब्रियम, तो K इक्विलिब्रियम
बराबर क्या होता है के एफ अपॉन के बी। ये लो भैया, ये लो, समझो इसको अच्छे से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेशियो, उसको अपन क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम। क्लियर? हाँ जी। तो यहां पर भी ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट सी और डी। देखो इधर, ये क्या है, प्रोडक्ट सी और डी, सही है। तो के एफ के साथ क्या ले सकता हूं मैं, सी और डी। यहां पर क्या ले सकता हूं मैं, ए और बी। ये देखो, ए और बी, मतलब ये है ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन क्या आ गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब रासायनिक साम्य की स्थिति। क्लियर? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, ध्यान रखना ये बात। क्लियर है? टेम्परेचर मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। नेक्स्ट है अपना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है वैसा, इसको देखो, ये बहुत अच्छे समझने की चीज है, बहुत अच्छे से, गजब तरीके से। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता दूं, यहां पर जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाइए, जो कंपोजिशन है, क्या है कंपोजिशन, वो भी कौन सा कंपोजिशन भैया, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है भैया। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन अब क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, अब वो सेम हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर सेम हो जाता है किसका, सिस्टम और सराउंडिंग। यहां पर क्या हो जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनके केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहां पर क्या सेम होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जो फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड में, जिनको वो लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। यहाँ पर ये डील करता है किससे, प्रेशर से। किससे डील करता है, पहली बात ध्यान रखना, प्रेशर, ठीक है, फोर्स, दाब, दबाव, जिसको अपन बोलते हैं, इससे डील करता है ये। क्लियर? हाँ जी। ये किससे डील करता है, टेम्परेचर से। ये किससे डील करता है, केमिकल कंपोजिशन से। और ये किससे करता है, प्रेशर से। क्लियर? अब देखो, जब प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, एक जगह पर स्थिर हो जाए, एक जगह आके, तो मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, उस केस को मैं बोलता हूँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसको देखो ध्यान से क्या समझोगे, जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, बॉक्स दिख रहा है सबको, ये बॉक्स दिख रहा है सबको मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ जी, ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इसका जो भी वेट है, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो ये जाएगा नीचे, ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये कहां जाएगा, नीचे, मतलब नीचे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, ये गया। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इसको अपने हाथ पर रख लिया इस तरीके से, इससे क्या होगा, मैंने उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मैंने क्या लगाया, नीचे से फोर्स लगाया। क्लियर है? मतलब इस बॉक्स पर एक वर्क, एक फोर्स काम कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और इसके अगेंस्ट मैंने एक और फोर्स लगा दिया, मैंने लगाया ये अगेंस्ट लगाया है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है कहां पर, नीचे की तरफ, और मैंने जो इसको रखा हुआ है, ये जो फोर्स लगाया है, ये लगाया ऊपर की तरफ। जब ये दोनों फोर्स क्या हो जाए, दोनों के दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स सेम हो जाए, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि भैया अब हमारा सिस्टम किसमें आ गया, अब हमारा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। इसमें आ गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि जब दो फोर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। फोर्स का मतलब क्या होता है, प्रेशर ही होता है। क्लियर है? मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर लगाया गया फोर्स, सॉरी दाब, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्स। तभी तो आप फॉर्मूला देखते हो क्या होता है, एफ बराबर पी एफ ओन होता है ये, ठीक है। जो प्रेशर लगा रहे हो, इसका मतलब उस पर फोर्स लगा रहे हो आप। क्लियर है? अब जो इसमें मैं जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला, ये आ गया, ये रहा हुआ एग्जाम्पल। इसमें क्या है, इसमें ये मैंने लिया हुआ है एक बलून, गुब्बारा लिया हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, वॉटर, सही है। अब गुब्बारा क्या है, मैंने उस गुब्बारे को तो बीच में से मैंने दबाया, तो क्या होगा, अंदर उस पर क्या लगा, उस पर लगा प्रेशर, क्योंकि जो पानी है वो क्या कर रहा है, उस गुब्बारे की दीवार पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है उस, और ऊपर से मैंने क्या लगा दिया, उसको दबा दिया, दबाया तो क्या होगा, वो बीच में से दो निकल जाएंगे इधर की तरफ, सही है। ये देखो, यहां से देखना है, ध्यान से देखना सभी, इधर देखो, ये यहां पर मैंने क्या करा, ये एक बलून था पूरा, ये इस बलून के बीच में मैंने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, दाब लगाया, दाब लगाया तो क्या हुआ, ये इसका पूरा प्रेशर कहां चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया,
सही है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो गुब्बारे के अंदर थे वो क्या कर रहे थे, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे थे, और बाहर से मैंने क्या करा, ऐसे फोर्स लगा दिया। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब सुनना ध्यान से, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बहुत गजब की चीज है, लेकिन इसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। मिस्टेक क्यों होती है, यहाँ पर तो आप लिख के आ जाओगे तो अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, बड़े एग्जाम्स, नेट गेट हुए, एमएससी के हुए, या आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, तो वहां पर एक चीज आपसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि बताओ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। आप पता क्या बोल के आ जाते हो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब आप बोल के आ जाते हो कि सर जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है उस केस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो बोलता है वाह बेटा बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जबकि उसने क्या बोला है, गलत बोला है। ध्यान रखना भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम अलग चीज है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अलग चीज है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट थिंग है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होना, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन का सेम होना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है प्रेशर का सेम होना। जब कोई सिस्टम इन तीनों इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करता है तो उस केस में ही अपन बोल सकते हैं कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। मीनिंग क्या है इसका, कि अगर किसी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना है, लाना है, तो उस केस में उसको ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम को रखना पड़ेगा, तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने चाहिए उस केस में। अगर तीनों इक्विलिब्रियम में से एक भी इक्विलिब्रियम नहीं है, एक भी नहीं है, तो उसको अपन, उस सिस्टम को अपन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन का नाम नहीं दे सकते। तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने चाहिए, क्लियर है, तभी हम इसको अपन सीख पाएंगे। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखो सबसे पहले मैंने ये जो आपको बताया है, आज अपन पढ़ने वाले थे, वो क्या पढ़ने वाले थे, एक तो सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री, ये समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम ये भी अपन पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम मेरे हिसाब से आपकी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसको नहीं आया वो इस वीडियो को देखना, बैक करके देखना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको दोबारा बताएं, क्योंकि वीडियो बन गई है, सही है। इस वीडियो को आप बैक करके बार बार जितनी बार आप देखना चाहते हो उतनी बार आप इजीली देख सकते हो उसको, क्लियर। अब ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास सबसे अच्छा यही फायदा है, अगर आपको छूट गया, कुछ रह गया, तो आप आराम से वापस से उसको बैक करके, पॉज करके, स्लो करके, फास्ट करके, हर तरीके से देख सकते हो उसको, क्लियर। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज किस तरीके की होती है, ठीक है, हाँ जी, गुण बोलते हैं इनको अपन। इनको क्या बोलते हैं अपन, किसी सिस्टम के गुण, तंत्र के गुण। अब देखो तंत्र के गुण में मैंने दो नाम लिखे हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक लिखा हुआ है मैंने इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इनको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, हाँ जी, हिंदी में इनका क्या नाम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, नरे हिंदी में नाम बोलिए मैं तो इसका, इसको तो बोलते हैं शायद गहन गुण, विस्तीर्ण गुण, देख लेना, एक को गहन बोलते हैं, एक को विस्तीर्ण बोलते हैं, हिंदी में मेरे को नाम वैसे याद नहीं रहते इनके, हाँ जी, सिर्फ इसको विस्तीर्ण बोलते हैं, देख लो, विस्तीर्ण गुण, इसको गहन गुण, ठीक है। अब जो भी है हिंदी में देख लेना आप। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव का मीनिंग क्या होता है, ये जो मैंने एक वर्ड में लिखा हुआ है ना, ये कि बहुत काम की चीज है भाई साहब, ये बहुत काम की चीज है, शानदार। और ये जो लिखा हुआ है मैं नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों वर्ड को दिमाग में रखना, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। दोनों वर्ड अगर दिमाग में रहेंगे तो आप चीजों को अच्छे से डील कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको दिमाग में हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि भैया ये वाली प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, क्या है, फलाना है, वो सब कुछ, क्लियर। आओ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज, किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पर डिपेंड करे, उस सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड करे, सही है। अब अमाउंट का मतलब अपन एक वर्ड ले सकते हैं मैग्नीट्यूड, और क्या ले सकते हैं अपन इसका, मैग्नीट्यूड, ठीक है, वैल्यू, वैल्यू पर डिपेंड करे, अमाउंट पर डिपेंड करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्लियर। इंटेंसिव का मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम के वे गुण, तंत्र के वे गुण जो, हाँ जी, उसके नेचर पर डिपेंड करें, किस पर डिपेंड करें, नेचर पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करें, जो डिपेंड्स
The properties of a system depends on amount of substance known as extensive properties, and properties of a system depends upon the nature of substance known as intensive properties. Clear है? दो property होगी, extensive और intensive. अब देखो, ये amount पर depend करेगी, अब मात्रा पर depend कर रही है ये, ठीक है? हाँ जी, इसको मिस्त्री को अपन क्या बोलते हैं, मात्रात्मक गुण बोलते हैं. अरे यार अब याद आ गया ना, मात्रा से, मात्रात्मक गुण. ठीक है, अब देख लेना. और मात्रात्मक गुणधर्म बोलते हैं इनको, जो अमाउंट पर डिपेंड करती है ये. अब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो अमाउंट पर डिपेंड करेगी? जैसे कि मैंने m लिया हुआ है, m का मतलब मास. क्या मैंने क्या बोला? मास. जैसे मैंने आपसे बोला, एक तो एक किलोग्राम कोई भी सामान ले लो, सेव ले ली मैंने, एक किलोग्राम सेव और दो किलोग्राम सेव, क्या दोनों सेम हो सकते हैं क्या? नहीं भैया, सेम नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि भैया एक का वेट अलग है, दूसरे का वेट अलग है. तो मास क्या हो गया? चेंज हो गया. मास चेंज हुआ, इसका मतलब वो अमाउंट पर डिपेंड कहाँ कर रहे हैं? वाली प्रॉपर्टीज. इसका मतलब मास जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. क्लियर? वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम चीज जो मैंने मास के साथ बोली वो. इंटरनल एनर्जी, एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स होती है, ध्यान रखना, एनर्जी की जो भी फॉर्म्स होंगी वो सब क्या होंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी एनर्जी. विवेक कुमार, हाय. हाय, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू? ठीक है. ई मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा. एस का मतलब होता है एंट्रोपी. एंट्रोपी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये भी क्या होती है? एक ऊर्जा का ही प्रकार है. सी, हाँ जी, सी का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता. तो ऊष्माधारिता हुई, एंट्रोपी हुई, ई मतलब इंटरनल एनर्जी हुई, वॉल्यूम हुआ, मास हुआ. ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अमाउंट पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. क्लियर है? इधर आते हैं अपन, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी. एन का मतलब क्या होता है? नीटा, विस्कोसिटी, शांतता जिसको अपन बोलते हैं. म्यू, डाइपोल मोमेंट. ये सारी मतलब इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सरफेस टेंशन हुआ, ये सारी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नेचर पर. ठीक है, मतलब जैसे मैंने बोला टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को अपन किस तरीके से इसको डिफाइन करें कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो देखो इसको समझते थोड़ा सा. जैसे कि मैंने एक कोई बॉक्स लिया है, ठीक है, मैंने बॉक्स क्या लूं, मैंने बाटा ले लिया. बाटा समझते हो क्या? अरे बाटा समझते हो क्या? बाटा, बाटा मतलब पत्थर. ठीक है, मैंने एक पत्थर ले लिया, बहुत मोटा सा, एक चौकोर टाइप का, समझने में आसानी रहेगी. ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये गर्म हो, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने कोई मंत्र पढ़ा गर्म हो गए. यहां पर मैंने क्या लगा दिया? एक बर्नर लगा दिया, ये इसको गैस पर चढ़ा दिया. ठीक है, इस तरीके से ये मैं नीचे आग लगा दी यहाँ पर. अब ये क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा ये. अब पत्थर क्या होगा? जब बाहर रखा हुआ था तो 20-25 डिग्री इसका टेम्परेचर था. अब ये कितने पे हो गया? सपोज दैट इसका टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना हो गया? 70 डिग्री. अब मेरे को एक बात बताओ यार, कि यहां पर ये जो पत्थर है, ये जो भाटा है, इस भाटे का टेम्परेचर अगर मैं यहां से नापूं, मैं इसको यहां से नापूं, चाहे इधर से नापूं, चाहे इधर देखूं, चाहे इधर देखूं, चाहे इधर से मेजर करूं, किसी भी पोर्शन से मैं इसको मेजर कर लूं, हर पोर्शन में, पूरे के पूरे पत्थर में, ये क्या रहेगा? सेम रहेगा टेम्परेचर. 70 है तो भैया 70 रहेगा ये. सही है, ये चेंज नहीं होगा. अब चाहे मैं, अगर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बांट दिया. बांट दिया मतलब मैंने इसको, ये लो, मैंने इसको दो भागों में बांट दिया. ये लो, इस पत्थर इतना सा तोड़ा, अब ये जो आया, ये इतना सा पोर्शन जो आया ये पत्थर का, अब मैं इसका टेम्परेचर निकालूंगा तो इसका टेम्परेचर भी कितना निकल के आएगा? 70 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती. वो किस पर डिपेंड करती है? वो हमेशा उस नेचर पर डिपेंड करती है. किस पर डिपेंड करती है? नेचर पर. मैंने लिया प्रेशर, अब प्रेशर चाहे मैं 1 किलो गैस पर लगाऊं, चाहे थोड़ी कम गैस पर लगाऊं, प्रेशर तो सेम रहेगा. डेंसिटी, मास अपॉन वेलोसिटी, वो भी क्या होता है? हाँ जी, मास अपॉन वेलोसिटी. बोलो भैया, डेंसिटी तो होती है. अरे इधर देखो, अरे भाई इधर देखो, इधर देखो एक बार. डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व. डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन वेलोसिटी. इसको समझना ध्यान से, मास अपॉन वेलोसिटी, एम अपॉन वी. देखो एम क्या है? एक, हाँ जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. वॉल्यूम भी क्या है? एक
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सही है। मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता है, रेशो ये अनुपात, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, हाँ जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना है बात, आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो निकल के आएगा वो भी, वो क्या होता है, इंटेंसिव होता है वो, क्लियर। जैसे मास अपॉन वेलोसिटी मैंने लिया, क्या आया, डेंसिटी डी। डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी वो फिक्स होती है, आप चाहे एक ग्राम H2O की निकालो, चाहे एक किलोग्राम H2O की निकालो, उस दोनों ही केस में, एक ग्राम की निकालो चाहे एक किलोग्राम की निकालो, चाहे 1000 ग्राम की, 1000 किलोग्राम की निकालो, उस सभी केसों में डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो हमेशा मास पर डिपेंड नहीं करती, वो नेचर पर डिपेंड करती है, क्लियर। इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने आपको ये तो समझाई दिया कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, डेंसिटी हुई, इधर एन का मतलब क्या होता है, आप देखो एन समझो एक बार, नीटा, इसको क्या बोलते हैं, पर नीटा बोलते हैं इसको, नीटा और बताता हूँ, इसको भी समझाता हूँ मैं आपको, नीटा, ठीक है। नीटा का मतलब होता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का सिंबल होता है, जैसे अपन टी लिखते हैं, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर, सी का मतलब हीट कैपेसिटी, उसमें आ जाता है, इस तरीके से नीटा जो सिंबल होता है ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी का सिंबल होता है ये, विस्कोसिटी, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्यानता, श्यानता, श्यानता का सिंबल होता है ये, क्लियर। अब ये जो होता है ये भी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब वो लिक्विड आप चाहे, देखो आपको पता होगा अच्छे से कि विस्कोसिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, किसी भी द्रव को बहने से रोकने का गुण, किसी भी द्रव को बहने से रोकने का गुण क्या होता है, शांतता। अब ये शांतता जो होगी, आप किसकी, आप जानते हो वाटर है, वाटर को आपने फर्श पर फैलाया, एक गिलास पानी को, बहुत आसानी से फैल जाएगा। लेकिन मैंने शहद लिया, हनी लिया मैंने, अब शहद मैंने ले लिया तो शहद, ध्यान रखना शहद इजीली नहीं फैलेगा, शहद आसानी से नहीं फैलेगा, वो बहुत धीरे 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 फैलेगा फर्श पर, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, क्लियर। अब मैं चाहे एक बूंद शहद लूं, चाहे मैं एक ग्लास लूं, तो सीधी सी बात है उस केस में, दोनों ही केस के अंदर उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्लियर है। तो जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी रहेगी, वो नेचर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। म्यू, डाइपोल मोमेंट। जैसे मैंने एल्किन ले लिया, एल्किन का क्या होता है, अगर मैंने जैसे इथीन लिया होगा, ये मॉलिक्यूल लिया हुआ है मैंने इथीन का, ये लो भैया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो, सही है। तो इस केस में अब ये एल्कीन है, ये इसका डाइपोल मोमेंट क्या है यहाँ पर, इस केस में जीरो है, कितना है, जीरो। अब एल्कीन का चाहे मैं एक मोलिक्यूल लूँ, चाहे मैं एल्कीन के बहुत सारे मोलिक्यूल लूँ, चाहे एक किलोग्राम एल्कीन ले लूँ, भैया हर केस में वेलोसिटी, वॉल्यूम वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम होगा ना सर, आप कहना क्या चाह रहे हो, एक बार इसको लिख दो, पूरी एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दो, ठीक है, फिर मैं आपको उसको अच्छे समझा दूंगा। मास होता है, वॉल्यूम होता है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो हो जाएगा, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बदल जाता है। डेंसिटी आप देखना, कभी भी कोई भी केमिकल्स होते हैं उन पर लिखा होता है डेंसिटी डी, तो डी का मतलब डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो घनत्व बिल्कुल फिक्स रहता है, सेम रहता है, चाहे आप एक ml का नापो चाहे एक लीटर का नापो, वो फिक्स रहेगा, डेंसिटी फिक्स रहती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नेचर पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती कि इतने अमाउंट की लगोगी या इतने अमाउंट की लगोगी, नहीं, ठीक है। इधर बात कर रहे हैं अपन एल्कीन है, एल्कीन का डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। तो डाइपोल मोमेंट चाहे आप एल्कीन एक मोलिक्यूल का देख लो, चाहे बहुत सारे मोलिक्यूल का देख लो, क्या रहेगा, वो जीरो ही रहेगा। इसलिए डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाता है, नेचर पर डिपेंड करता है, एक का देखो चाहे कितने का ही देखो, मतलब इस पर अमाउंट पर, ये क्या है, अमाउंट पर इंडिपेंडेंट है, ये निर्भर नहीं करता, क्लियर है। इसलिए ये जितनी प्रॉपर्टीज मैंने बोली है सारी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, नीटा मतलब ये विस्कोसिटी वाला, और डाइपोल मोमेंट, सरफेस टेंशन ले लो, ये सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने बोली है, ये सब क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट करती है, क्लियर। इसके अलावा दो वर्ड और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर,
एक वर्ड मैं बोल रहा हूं इधर स्पेसिफिक, और एक वर्ड में बोल रहा हूं मोलर। एक वर्ड में क्या बोल रहा हूं? मोलर। अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में, हाँ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के पहले ये वर्ड लग जाए, स्पेसिफिक लग जाए या मोलर लग जाए, स्पेसिफिक लग जाए या मोलर लग जाए, जैसे मैंने बोला यहां पर ये सी, सी मतलब हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लग गया या मोलर हीट कैपेसिटी लग गया, तो किसी भी सिस्टम, सॉरी किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे अगर आपने ये वर्ड यूज ले दिए स्पेसिफिक या मोलर, तो ध्यान रखना वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखना भैया ये बात, ये दो वर्ड जो मैंने बोले हैं इधर, ये एक तो स्पेसिफिक और मोलर। एक मिनट, स्पेसिफिक और मोलर, दो जो वर्ड मैंने बोले ही ये जब भी लगेंगे किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे तो वो इंटेंसिव में बदल जाती है भैया, ध्यान रखना। किसे बदल जाएगी वो? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। क्यों बदल जाएगी इसके बारे में आपको बताऊं, क्योंकि स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक का मीनिंग क्या होता है कि भैया आपने अमाउंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जब आप अमाउंट को फिक्स कर दोगे तो सीधी सी बात है अब वो प्रॉपर्टी अमाउंट पर तो डिपेंड करेगी नहीं। जैसे मैंने यहां पर एक वर्ड ले लिया, मैंने लिया स्पेसिफिक, मैंने यहां पर एक वर्ड ले लिया स्पेसिफिक मास, मैंने क्या ले लिया? स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। तो स्पेसिफिक वर्ड लग रहा है, इसका मतलब अभी सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने बोला मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर एंट्रोपी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब अब क्या होंगी? सारी की सारी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ध्यान रखना प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। मास पर डिपेंड करे, अमाउंट पर डिपेंड करे, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करे तो उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव, नेचर पर डिपेंड करे तो इंटेंसिव। क्लियर? अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उनका रेशियो है तो वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के पहले स्पेसिफिक वर्ड लगे या मोलर वर्ड लगे तो वो क्या हो जाएगा भैया? हाँ जी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बदल जाता है। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन चीजें देखी? एक तो हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, दूसरा हमने देखा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ओपन क्लोज और आइसोलेटेड। और क्या देखा हमने इसमें? देखा हमने कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस सिस्टम। और क्या देखा हमने? प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इक्विलिब्रियम के बारे में देखा, तीन टाइप के होते हैं, थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे और जो प्रोसेस है प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रक्रम के बारे में, कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, इस तरीके से, ठीक है? और उनके आगे सिस्टम्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। क्लियर? किसी को डाउट वगैरह हो तो पूछ सकता है अभी। थैंक यू सो मच आज के लिए। तो आज क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।